मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिशाली अग्रवाल, यू EVS टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया था, विच इज अप यू गो, जिसपे हमने संगीता मैडम की स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, उनकी पूरी लाइफ जर्नी पढ़ी थी। सो टुडे आई एम गोना स्टार्ट चैप्टर 10, विच इज वॉल टेल्स स्टोरी। क्या है? वॉल टेल स्टोरीज, यानी कि वॉल को हम क्या बोलते हैं? दीवार। वॉल को हम क्या बोलते हैं? दीवार। टेल को मतलब वॉल, जो दीवार है वो क्या स्टोरी बोल रही हैं। सो अब देखते हैं रीच्ड गोलकोंडा। इधर पे क्या है, कहाँ पहुँचे हैं? लॉन्ग रीच, यानी पहुँचना कहाँ पे है? ये रीच्ड गोलकोंडा। ठीक है, इधर पे की ये बात है, एट लास्ट कुछ लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। सो एट पहले हम रीड करेंगे, देन एक्सप्लेन करते जाऊँगी। तो आप तो फर्स्टली आप ये क्या देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्ट, किला। फोर्ट क्या? ये फोर्ट। फोर्ट को क्या बोलते हैं? किला को हम बोलते हैं फोर्ट, जिससे जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं ना उधर को, उसको क्या बोलते हैं हम? किला, यानी कि फोर्ट। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही हम गोल लास्ट में क्या पहुँचे, गोलकोंडा पहुँचे। वी वर ग्लैड दैट डीडी वॉज विथ अस, दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। इधर पे कुछ लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं कि दीदी हमारे साथ हैं, क्योंकि दीदी क्या है, दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। क्योंकि दीदी क्या पढ़ रही है, दीदी हिस्ट्री पढ़ रही है, जिससे वजह से हम अलग अलग जगह पे विजिट, यानी कि अलग अलग जगह जाके विजिट करते हैं, देखते हैं वहाँ की चीज़ें, देखते हैं, पता करते हैं कि उन चीज़ों के बारे में। तो हम क्या करते हैं, दीदी के साथ हमें अलग अलग बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस पे जाने का मौका मिल रहा है। तो अब इसमें कौन कौन, क्या क्या, कितने लोग हैं? सैलजा है, श्रीधर है, कल्याणी है, ठीक है, और दीदी है, ठीक है, जो दीदी की हमने बात की थी। सो अब इस देखते हैं कि स्टार्ट कौन कर रहा है, सैलजा बात कर रही है। अब सैलजा क्या है, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। वो कहाँ पे विजिट कर रहे हैं, वो अभी गोलकोंडा के फोर्ट में विजिट कर रहे हैं। लाइक ये जो ये फोर्ट है ना, इस ये फोर्ट है, तो वो क्या बोल रही है सैलजा, माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। ह्यूज का मतलब बड़ा, ह्यूज का मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, सैलजा बोल रही है, ओए मेरी तो गुडनेस, मतलब मेरी खुशनसीबी है कि ये, ओ माय गुडनेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, क्या है, एक्सक्लेमेटरी। लाइक दिस साइन हो क्या, मतलब वो चौंक गई, बोलती है माय। आप जैसे कुछ चीज़ देखते हो और आपको अच्छी, बहुत ज़्यादा आप क्या होते हो, एक्साइटेड होते हो वो चीज़ को देखने के लिए, आप बहुत अचानक से, आप बहुत बड़ी कुछ, तो आप ऐसे बोलते हो, ओ माय गॉड, माय गुडनेस। तो यही सैलजा इधर पे क्या यूज़ कर रही है, माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। ये फोर्ट तो कितना बड़ा है, कितना विशाल फोर्ट है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। अब एक श्रीधर है, अब श्रीधर क्या बोल रहा है, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ट। अरे ये तो देखो कितना बड़ा तो है ही, और इसकी हाइट क्या है, हाइट भी कितनी बड़ी है, इस फोर्ट कितने बड़े फोर्ट है ये, कितनी ज़्यादा हाइट पे ये बना हुआ है। अब एक कल्याणी है, अब कल्याणी क्या बोलती है, जस्ट लुक, देखो जरा, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट, तुमने क्या कभी इतना बड़ा गेट देखा। किला में क्या होता है, जो फोर्ट्स होते हैं उधर पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, गेट्स होते हैं। लाइक जैसे आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, वो पोर्ट्रे करते हैं ऐसी पुरानी पुरानी कहानियों को। वाई इज दिस स्मॉल गेट मेड इन दिस बिग गेट। अब ये वो देखो, एक ये इतना बड़ा गेट है, इस गेट में एक छोटा सा गेट बना हुआ है, तो इस छोटे से गेट के लिए वो आने जाने के लिए है। और ये बड़ा गेट क्यों बना रहता है, क्योंकि जब वॉर होती है, आप कोई दुश्मन अटैक करता है, तो वो अपना पूरा क्लोज कर लेते हैं डोर, जिससे मतलब कि उधर पे कोई गेट जो है उधर पे कोई आ न सके। ठीक है, अब सैलजा क्या बोल रही है, नहीं अब फिर से सैलजा बोलती है, इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये कितना हैवी भी होगा गेट, ये इतना बड़ा है तो कितना हैवी भी होगा। आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट, इस गेट को ओपन करने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, जो इस गेट को ओपन और क्लोज, यानी कि खोलते और बंद करते होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कल्याणी क्या बोल रही है,
लुक एट द शार्प आयरन स्पोक्स, यानी कि शार्प आयरन स्पोक्स की देखो जो लगे, इसको क्या बोलते हैं, लोहे की तीरी। आयरन स्पोक्स को हम क्या बोलते हैं, लोहे की तीली। आयरन मतलब लोहे, लोह में की तीलिया, ओके इसको बोलते हैं आयरन। आई वंडर व्हाई दे वर मेड, ये मैं सोच में पड़ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्यों बना है ये सब चीज़ें। आप भी अगर कोई फोर्ट में जाते हो, क्या कहते हैं, विजिट पे, कभी आपको मौका मिले तो आप भी ऐसे बोलते हो ना, कितना बड़ा है इधर पे, क्या क्या चीज़ें होंगी। लाइक आप चेहरा में रहते हो तो आपको आपके किले की पता, आप कई बार घूमे होंगे तो उधर पे भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक हैं, आपने कभी पहले नहीं देखी होंगी। सो ऐसे ही इन लोग भी एक बहुत बड़े फोर्ट में विजिट पे गए थे। नेक्स्ट शैलजा आप क्या बोल रही है, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू, देखो ये कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। थिक का मतलब क्या होता है, मोटा। थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, और थिन का मतलब पतली दीवारें। देखो ये कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, ये तो कितनी थिक हैं। अब श्रीधर क्या बोल रहा है, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने इतनी थिक वॉल्स, इतनी मोटी मोटी वॉल्स मैंने कभी भी नहीं देखी है जैसी मैं आज देख रहा हूँ। अब कल्याणी क्या बोल रही है, एट सम प्लेसेस, कुछ जगह पे अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर व्हाई। अब कुछ जगह क्या है, कुछ जगह की जो वॉल है मतलब जो दीवार है वो किस शेप में है, राउंड शेप में। मोस्टली आपने फोर्ट्स की जो वॉल्स हैं कुछ कुछ ऐसे राउंड शेप में आपने देखी होगी। देखो ये बस्टियंस, इसको बोलते हैं गुम्बज टाइप का, वो क्या होते हैं, राउंड शेप में आपने दीवार देखी। ऐसा क्यों, वो जानना चाहती थी कल्याणी कि ऐसा क्यों वो राउंड शेप में वो दीवारें वॉल बनी हुई है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्यों बनी हुई। फर्स्टली तो उसका जो मेन काम है वो इसलिए बनती है कि उससे वो दुश्मनों को देख सकें और दुश्मनों उस पर अटैक कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब दीदी आती हैं जिनके साथ ये लोग सारे कहाँ पे गए हैं, विजिट पे गए हैं। तो अब दीदी बताएंगी ये सब चीज़ों के बारे में, इन्हें क्या बताएंगी, क्योंकि दीदी ने हिस्ट्री पढ़ी थी। अब दीदी इन सबको एक्सप्लेन करेंगी कि क्यों ये सारी चीज़ें बनी हैं और कैसे बनी हैं ये। तो दीदी क्या बोल रही है, दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस, किसको क्या बोलते हैं, बेस्टियंस बोलते हैं जो गोल गोल आप दीवार बोल रहे हो इतनी मोटी मोटी, इसको क्या बोलते हैं, बेस्टियंस। इसको क्या बोलते हैं, बुर्ज, और इसको क्या बोलते हैं, बुर्ज बोलते हैं। सी दिस आर इवन हायर देन द वॉल, तुम देख रहे होगे कि ये जो इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं ये उनसे भी ऊंचे हैं, मतलब ये जो बस्टेंस हैं ये उससे भी, दीवार से भी ऊंचे ऊंचे ऊपर ऊंचे बने हुए हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट, इसकी जो ये जो ये फोर्ट है, जो ये किला है, इसकी जो आउटर मतलब बाहरी, आउटर मतलब बाहरी, बाहर की जो इसकी बाहरी दीवार है मतलब बाहरी जो है वॉल है वो क्या है, 87। उस पर क्या इतने कितने बेस्टेंस हैं, 87 बुर्ज हैं, क्या हैं, 87 बेस्टेंस हैं। अब थिक वॉल, थिक वॉल्स मोटी दीवारें क्या, अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टेंस, इधर पे क्या क्या, इसके लिए में थिक वॉल्स हैं, बहुत सारी मोटी मोटी दीवारें हैं, एक बहुत बड़ा गेट है, ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टेंस, और सो मैं बहुत सारे क्या है, बुर्ज बने हुए बेस्टेंस हैं। सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी, इधर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी के लिए भी की बनाई गई हैं, क्योंकि ये किले में आपको पता हो कि जो राजा महाराजा होते हैं, जो वॉर होती हैं, तो वो दो राज्यों या दो भी राजाओं की, किंग्स के की राजा को क्या बोलते हैं, किंग, किंग कहते हैं राजा। तो जो रापिज पहले के ज़माने में क्या होता था, हम हिस्ट्री के बारे में भी, क्योंकि हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो स्टोरी है वो हिस्ट्री पे डिपेंड है, हमारे पहले हिस्ट्री मतलब जो बीत चुका है हमारे इधर पे। तो ये चीज़ें जो हिस्ट्री में क्या होता था कि जो बहुत सारे राजा, मैं आपने जोधा अकबर देखा होगा, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिसपे ये स्टोरीज पोर्ट्रे करते हैं कि पहले के ज़माने में लोग अपना जो एरिया होता था वो अब दूसरा कोई उनके एरिया में ना आए, या फिर जब उन्हें दूसरे के एरिया चाहिए होता था तो उन्हें क्या कर, जंग लड़नी पड़ती थी, वॉर करनी पड़ती थी, एक दूसरे से क्या करनी पड़ती थी, वॉर करनी पड़ती थी। और अगर जो भी, अब ये दो पूरी दो जो दो राजाओं के बीच में वॉर होती थी, तो उसकी पूरी सेना वो लड़ती थी, ठीक है, उनके दो किलों के बीच में लड़ाई होती थी। तो अगर एक जो राजा जीत जाता था, जो भी जीतता था, जो भी
किंग वॉर, तो उस जो एरिया में सेकंड किंग है वो एरिया पूरा उसको दे, उसको हो जाता था, वो एरिया पूरा वो कवर कर लेता था और उसके भी जो किला है मतलब फोर्ट है उस पर वो अपना राज जमा लेता था कि अब वो फोर्ट उसका हुआ, अब वो इधर का भी राजा है। तो दूसरे जगह के भी ऐसे राजा बनने के लिए वो सब ये करते थे। तो ये इसलिए ये, और ये जो बस्टन्स बने हुए हैं ये क्यों सिक्योरिटी के लिए बने हुए हैं, क्योंकि इधर से आप दुश्मनों को देख भी सकते हो, दुश्मनों पे वार भी कर सकते हो, वार यानी कि उनसे फाइट कर सकते हो, ये चीज़ें इस पर बताई गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थिंक। ये देखो ये इधर पे जो आपको बेस्टेंस दिख रहे हैं, ये गोल गोल आपने कई बार देखे होंगे कई किलों में, ये बेस्टेंस। अब इसके बाद इधर पे एक होल बनाया जाता है। होल क्यों बनाया जाता है, होल का मेन काम ये होता है कि देखो इधर से वो क्या करते हैं, इधर से वो अपने दुश्मनों को देखते हैं और उन पे इधरी से वो नज़र रखते हैं और अटैक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इधर पे होल बनाए जाते हैं। वाई पर बेस्टेंस मेड इन द फुटबॉल, किले की जो दीवारें हैं उस पर बेस्टेंस के क्यों बने हुए हैं, तो ये बेस्टेंस इसलिए बने होते हैं कि ये क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, किसी भी फोर्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें बनाया जाता है। अब वाई वर बिग होल्स मेड इन देम, अब ये बोल रहा है कि इधर पे वो ठीक है, हमने मान लिया कि बेस्टेंस तो बनाए जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी के लिए। अब इधर पे जो बेस्टेंस में हैं ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं, ये तो ये मेन अगर बेस्टेंस बनाए जाते हैं तो कोई रीज़न से ही बनाते होंगे। तो ये देखो ये जो आपको होल दिख रहा है ये इसलिए, इधर से देखो इधर से कोई भी अपने जो आपके ऊपर आक्रमण यानी कि आपके ऊपर एकदम से लड़ाई करने आता होगा रात को जैसे कोई बिना बताए, तो इधर पे वो अपनी अपनी सेना को राजा अपनी तैनात करते हैं और फिर वो उनकी सेना पता करती रहती है कि कोई ऐसा राजा कोई दुश्मन ऐसा तो नहीं है उनका कि वो एकदम चोरी चुपके आ रहा हो, और तो इधर से वो नजरें रखते हैं और जब लड़ाई जब वॉर होती है तो वो इधर से उन अपने दुश्मनों पे नज़र रखते हैं और इधर से वो अटैक कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है बेस्टेंस पे होल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बेस्टेंस एट अ हाइट, अगर आप एक नॉर्मल वॉल रखोगे तो नॉर्मल वॉल अगर ये देखो ये एक क्या है नॉर्मल वॉल है ये इस तरह, और आप बेस्टेंस वॉल मतलब गोल गोल, तो आपका जो शत्रु है मतलब जो आपका दुश्मन है वो आपको इधर पे क्या है अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आप किधर पे हो, और इधर से ये देखो आप इतने होल देख रहे हो ये होल ही हो, तो आप उधर से अपने दुश्मनों पे नज़र भी रख सकते हो, इसलिए ये फ्लैट जो बेस्टेंस क्या होते हैं वो बेस्टेंस इधर पे बनाए जाते हैं स्ट्रेट वॉल की जगह। हाउ वुड द शोल्डर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टेंस यूजफुल वाइल अटैकिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि होल्स से क्या होते हैं सैनिक देख सकते हैं अपने दुश्मनों को और नॉर्मल जल्द बहुत ही जल्दी वो अटैक कर सकते हैं, इसलिए बेस्टेंस बनाए जाते हैं और बेस्टेंस में होल बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, अभी हम किसकी बात कर रहे थे आउटसाइड, ये बेस्टर्न होल ये जो भी, अब हम क्या बात करेंगे इनसाइड द फोर्ट, अब फोर्ट के अंदर, इनसाइड क्या मतलब अंदर वाला पार्ट, क्या होता है अंदर, इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड माने बाहर, तो ये हम क्या पढ़ेंगे अब फोर्ट के अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब सैलजा फिर से क्या बोलती है, सैलजा बोलती है आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लीव हियर, ये क्या बोल रही है सैलजा कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये फोर्ट कितना पुराना है मतलब कितने साल पहले ये फोर्ट को बनाया गया है, और डू यू थिंक कि इधर पे क्या ये राजा ने क्यों बनाया होगा इस फोर्ट पे, वो रहता भी था या नहीं रहता था, उसने फोर्ट तो बनाया था बट वो इधर फोर्ट रहने के लिए बनवाया था या ऐसे ही बनवा दिया था, वो इधर पे रहता भी था या नहीं रहता था। तो कल्याणी क्या बोलती है इस वॉट रिटन आउटसाइड, उधर पे क्या आउटसाइड आप कभी भी देखोगे तो उधर पे उनका पूरा बायोडाटा लिखा रहता है, कौन थे कहाँ से थे कितनी वॉर उन्होंने लड़ी क्या जीती उनके पूरा आपको ऑटोबायोग्राफी उधर पे बाहर किसी भी फोर्ट में जब जाओगे तो आपको मिल जाएगी। तो कल्याणी क्या बोलती है इट वॉज रिटन आउटसाइड द कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर आफ्टर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687।
इधर पे बाहर लिखा हुआ है कि जो कुतुब शाही सुल्तान थे वो इधर पे रूल्ड यानी कि वो अपना शासन, रूल्ड का मतलब होता है वो अपना शासन चला रहे थे, कितना आफ्टर वन एनदर, मतलब वो पूरा 100 साल से भी ज़्यादा उन्होंने क्या किया उधर पे राज किया, मतलब कुतुब शाही सुल्तान उन्होंने उस फोर्ट को बना के और उधर पे उनका ही पूरा मतलब उन्हीं की उनका ही सल्तनत पे शासन चलता रह गया। अब नेक्स्ट दीदी क्या बोलती है, मच बिफोर, इसके पहले क्या था, इन 1200 मतलब जो बीसी सी, दिस फोर्ट वाज मेड अप ऑफ मड एंड डिफरेंट लूलर्स लिव्ड हियर। ये जो फोर्ट बना हुआ है, किला बना हुआ है, किससे बना था, मड से बना था, और इधर पे क्या बहुत सारे रूलर्स रहते थे और सब अपना अपना रूल चलाते थे, जैसे कि बोलते हमारा इधर पे शासन चलेगा हम इधर पे, तो वो अपना अपना ही सब रूल चलाते थे और क्या करते थे, इधर रहते थे। अब सैलजा बोलती है ओ लुक, अब देखो दिस बोर्ड हैड अ मैप ऑफ द फोर्ट, ये देखो इधर पे क्या है, एक मैप है जो कि इस फोर्ट का, इस किले का एक मैप है, मैप में आपको उस किले की सारी चीज़ें बताऊंगी कि इधर पे क्या है। इधर आप जैसे एक इंडिया का, आप क्या देख रहे हो, आपने इंडिया का मैप देखा ये लाइक दिस, तो आपको पता है कि इधर पे इंडिया में क्या है, दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट, तो आपको ऐसे ही उधर पे उस किले का बना हुआ था, क्या बना हुआ था, उस फोर्ट का बना हुआ था आपको मैप, जिस पे उस सॉरी उस फोर्ट के बारे में सब कुछ उस मैप में था। नेक्स्ट अब क्या बोलती है, श्रीधर क्या बोलता है, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, ये जो मैप है इसके अकॉर्डिंग इधर पे क्या दिख रहा है, बहुत सारे गार्डन्स हैं, बहुत सारे बगीचा है, फील्ड्स है, बहुत सारी खेती है और फैक्ट्रीज भी हैं इधर पे, मतलब इधर पे जो ये फोर्ट है इधर पे क्या क्या है, गार्डन है, फील्ड्स है, फैक्ट्रीज है, ठीक है। सी देयर आर मैनी प्लेसेज ऑल्सो इन साइड द फोर्ट, इधर पे तो बहुत सारी ऐसी प्लेसेज हैं जो फोर्ट के अंदर भी हैं, तो सब अभी फोर्ट के बाहर ना जान रहे थे, बट इधर पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि फोर्ट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं हैं। अब सैलजा क्या बोल रही है, That means that not only the सुल्तान, इधर पे कोई सुल्तान बस नहीं, but many other इधर पे सिर्फ राजा नहीं, सुल्तान बस नहीं, इधर पे बहुत सारे ऐसे लोग जो फार्मर यानी कि किसान रहते थे, और जो वर्कर्स must also have been living, और जो काम करते हैं वर्कर्स यानी वो काम जो करते थे वो सब भी यहीं पे रहते थे, क्योंकि जब इतनी सारी फील्ड है गार्डन से, तो उधर पे वो सब भी रहते थे फार्मर्स और जो वर्कर्स थे। अब कल्याणी क्या बोलती है, इट मस्ट हैव बीन अ कम्प्लीटेड टाउन, ये जो एक फोर्ट है ये क्या है, कम्प्लीट टाउन है, जैसे एक गांव के टाइप का है, ये एक टाउन है जो यहाँ पे सभी सब रहते थे। तो अब क्या बोलते हैं, द सुल्तान्स प्लेस, अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सुल्तान की, सुल्तान पैलेस, सुल्तान का जो पैलेस था वो पैलेस यानी कि जो आपका वो एरिया, वो क्या बोलते हैं पैलेस को, जैसे वो जहाँ पे रहते थे। अब श्रीधर क्या बोलता है, दिस स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन, अब ये जो चलता ही रहेगा, तो अब हम आगे देखते हैं, चलते चलते हैं और देखते हैं सॉरी। अब सैलजा क्या बोल रही, इवन इन दोज डेज दैट यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद टू फ्लोर्स, जैसे कि ये जो क्या है वोट है वो आपको कितने फ्लोर में दिख रहा है, 1 2 कितने फ्लोर्स में बना हुआ है, ठीक है। तो सैलजा बोली कि इतने साल पहले भी क्या होते थे, जो बिल्डिंग्स बनी होती थी वो कितने फ्लोर्स में बनी होती थी, फ्लोर्स यानी कि मंजिल, इतने फ्लोर्स में बनती थी। अब कल्याणी क्या बोलती है, नाउ द बिल्डिंग इट इज इन रूइंस, बट वन कैन इमेजिन द अर्लियर देयर वर मैनी बिग सॉल एंड रूम्स, अब ये थोड़ा सा फोर्ट क्या पुराना हो चुका है इधर पे अब ज्यादा बता, बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब इमेजिन मतलब हम तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट जब पहले इधर पे बहुत सारे बड़े बड़े हॉल्स हुआ करते रहेंगे और बहुत सारे रूम्स बड़े बड़े होते होंगे। अब श्रीधर क्या बोल रहे हैं, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, अब इधर पे देखो कितनी सारी कार्विंग्स, मतलब जो पेंट बनी होती है ना कार्विंग्स, जो पत्थरों की कटिंग से बनी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्विंग्स बोलते हैं। तो देखो इधर पे जो वॉल्स में कितनी सारी कार्विंग बनी हुई है, इट इज़ सो फाइन, कितनी महीन बनी हुई है, कितनी मेहनत से, आपने कोई भी किले में देखा होगा तो बहुत सारी कार्विंग्स बनी होती हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि देखो इधर कितनी सारी कार्विंग्स हैं। आप कल्याणी क्या बोलती है, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन द रूफ्स, इधर पे क्या बोल रहे हैं, कुछ फाउंटेन इधर पे रूफ्स में फाउंटेन के जैसा उधर कुछ बना है।
हमने देखा है दीदी, यस देयर वॉज मैनी बिग टैंक्स। क्या इधर पे बोल रही है कि बहुत सारी इधर पे बड़े बड़े टैंक्स हैं और फाउंटेन्स हैं, दे यूज टू फुल ऑफ वाटर, उधर पे क्या फुल पानी भरता है, फुल पानी भरा हुआ है। अब वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, जो भी इसने बनाया वो कितना अच्छा इंजीनियरिंग है। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउसेस, जो इंजीनियर अभी भी जो हाउस को डिज़ाइन करते हैं, समटाइम्स देयर विन डैम्पनेस इन द वॉल, कुछ कुछ ऐसी दीवार पे ऐसी कुछ कमी रह जाती है। एंड हेयर कितनी साल पुरानी है, देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरिस, इधर पे फाउंटेन्स भी है टेरिस पे, बिल्डिंग हैव मस्ट बीन सच गुड अंडरस्टैंडिंग, और कितनी अच्छी बिल्डिंग की अंडरस्टैंडिंग है कि ये कुछ ख़राब भी नहीं होता है। यदि इफ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 5, इधर पे 500 साल से लोग रहते हैं, 500 साल पहले से, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू हमारे माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ वाज वाटर लिफ्टेड टू सच हाई, इतनी ज़्यादा हाइट से पानी कैसे नीचे आता होगा, कैन यू गेस हाउ, कैसे आता होगा, आपको बता सकते हो? तो हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क, फाउंटेन्स कैसे वर्क करते हैं? तो फाउंटेन्स क्या होता है कि उधर पे एक पूरा सिस्टम रहता है जिसके द्वारा वो पानी आता है। वाटर अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड एयर और लाइट के लिए, उधर पे बहुत सारे ऐसे ऐसे आंगन टाइप के बनाए जहाँ से वो एयर आती है और लाइट आती है। अब वॉट, अब लुक केयरफुली एट दिस पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग, आप ये देखो, ये पिक्चर देखो कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग बनाई गई है इस पे ऑन द वॉल। वॉट काइंड ऑफ टूल, इसको बनाने के लिए क्या क्या टूल्स यूज हुए होंगे, फाइन कार्विंग, तो इसके लिए जो उनके क्या होता है, जो मैं हाथों से और कुछ वो कटिंग करते हैं, कटिंग के लिए जो जो सामान उसका इधर पे हेल्प यूज़ करते हैं वो चीज़ें। वी स्टिल डू नॉट हैव एन इलेक्ट्रिसिटी, इधर पे अभी भी कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई भी इन प्लेसेस में नहीं है, इवन एट प्लेसेस डू नॉट इन प्लेसेस है कोई इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द नो इलेक्ट्रिसिटी, आप सोचो कि अगर इधर हफ्ते के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली नहीं हो, तो व्हाट द थिंग्स दैट वुड बी, कितनी मुश्किल हो जाएगा ये सब चीज़ों को मैनेज करना। पहले के ज़माने पे जब लाइट जाती थी तो उधर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो उस टाइम पे क्या करते थे, मशालें जलाते थे। क्या जलाया जाता था, मसालें, जो आग जलती थी ना, तो उससे ही पूरे जगह पे लाइट फैलती थी और उससे ही वो अपना जीवन यापन करते थे। वॉट इज़ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट कैसे उधर पता चलता था, एट वट प्लेस यू आर वेयर डू द, जहाँ से सन उगता था उन्हें पता चल जाता था कि वो क्या है, ईस्ट है। और वेयर आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट ऑल द योर ईस्ट, वॉट आर द थिंग्स देयर योर वेस्ट, तो आपका अपोजिट साइड क्या हो जाता था, वेस्ट, और सामने साइड नॉर्थ, पीछे साइड साउथ। ऑल्सो फाइंड आउट वट प्लेसेज आर यू यूर टू नॉर्थ, वैसे ही उन्हें पता चल जाता था कि नॉर्थ और साउथ क्या है। टेल एंड राइट, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा, ऑन द मैप एरो शोज ऑल द फोर डायरेक्शन, जो मैप है उधर गोलकोंडा का वो सारे वो चीज़ें शो करता है डायरेक्शन। इफ़ यू आर पीपिंग इन साइड फ्रॉम बोर्डली बोर्डली दरवाजे, इन विच आप अगर बोर्डली दरवाजा से कटोरा हॉल जाओगे तो क्या करोगे। इफ़ समवन इज इंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हाउस, कटोरा हाउस, तो ये सारी चीज़ें हमें जब हम मैप देखेंगे तभी हमें पता लगेंगी। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स तो आपको सेंड करूँगी। ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बालों हिसार, तो मैप किधर है, ये देखिए, ये रहा मैप, ये किसका मैप है, गोलकोंडा फोर्ट का मैप है, यानी कि गोलकोंडा किले का मैप है, तो ये आपको सब देखना है। ये देखिए मोती महल है, ये बाल बूदी है, कटोरा हाउस, ये देखिए कटोरा हाउस ये रहा, अब ये बंजारा दरवाज़ा है जो आपकी मैंने बात कर रही थी, बुर्ज इब्राहिम बुर्ज, ये इस चीज़ों को आपको ये देखना है और पढ़ना है। हौज ये है देखो, दरवाजा ये हैं, बचली है, स्टेस ये हैं, स्टोर फॉर गन, गन प्रॉपर जहाँ पर रहती है, ये सब ये, तो ये फोर्ट ये आपको देखना है, इसको पढ़ना है आपको, गोलकोंडा फोर्ट का मैप और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाई दीज अटैक्स, ये अटैक्स क्यों होते हैं। व्हाइल वी विल ऑल टॉकिंग, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन, जब ये सब बातें चल रही थी तो जो श्रीधर है उसको क्या दिखती है, एक बहुत बड़ी गन दिखती है, कैनन। वी रैन अप दीज स्टेप, और हम लोग सब जल्दी जल्दी वहाँ पे भागते हैं देखने के लिए। सैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, क्या बोलती है सैलजा कि ये सुल्तान की सबसे बड़ी गन होगी, बिग गन होगी। दीदी दिस
वॉज यूज बाई ऑरेंज। दीदी क्या बताती हैं, ये जो गन है वो किसके किसकी यूज़ की गई है, औरंगजेब से। औरंगजेब ने इसको यूज़ किया था। हिज फुल आर्मी केम विद दिस गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इंटर इवन इंटर द फोर्ट फॉर एट मंथ्स दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट। ये लोग किले के अंदर नहीं घुस पाए थे बट इन लोगों के औरंगजेब की जो पूरी आर्मी मतलब पूरी सेना है उसने इस गन का यूज़ किया था और कैन अटैक किया था बट वो इस फोर्ट पे एंट्री नहीं कर पाए थे। एट मंथ्स तक वो बाहर थे बट इधर पे एंट्री नहीं कर पाए थे। सहलजा वाई वुड द आर्मी कम हेयर फॉर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, पुती इधर पे आर्मी क्यों आई थी दिल्ली से। तो दीदी बोलती इन दोज डेज पहले के ज़माने में एम्परर्स और किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। इधर पे क्या करते थे जो राजा थे और जो शासन चलाते थे उनका अलग अलग ट्रिक्स के गेम खेलते थे। दे ट्राई टू मेक एक दूसरे को नीचा दिखाते थे कि तुम मेरे से छोटे राजा हो तुम मेरे से छोटे राजा। तो इसके चक्कर में दोनों की क्या होते थे वार करते थे। दिस वॉज डन समटाइम्स बाई फ्रेंड, कुछ लोग जब कैसे अपनी दोस्ती करते थे और फिर उन्हें धोखा दे देते थे। समटाइम्स बाई फ्लैटरी और समटाइम्स बाई मैरिज, या फिर क्या करते थे दो जो दो राजा हैं उनकी बेटा और बेटी की शादी करके वो ये बॉन्ड बना लेते थे। एंड वेन नथिंग, जब उनके पास कुछ काम नहीं रहता था दे ऑल्सो अटैक देम। तो वो खुद ही फ्रेंडशिप करते थे, खुद ही मतलब एक दूसरे से शादियां भी एक दूसरे के किले फैमिली से हो जाती थी उधर पे, और फिर जब उन्हें कुछ काम नहीं मिलता था तो अटैक भी कर देते थे उनके एरिए को अपना हथियाने के लिए। Why is it Aurangzeb's army could not get in? Aurangzeb की जो आर्मी है वो क्यों नहीं आ पाई थी इस फोर्ट के अंदर। तो he had so many soldiers, जब उसके पास बहुत सारे soldiers थे और बहुत बड़ी बड़ी गन थी। तो सैलजा क्या बोलती है, didn't you see these? तुमको ये नहीं दिख रहा है जितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। In this map there is long deep ditch pit along the, कितने पिट हैं इधर पे, इतने बड़े बड़े deep pit हैं। हाउ कुड वो आर्मी उधर कैसे इंटर करती। तो श्रीधर क्या बोलता है, इफ़ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम, अगर आर्मी डिफरेंट साइड से आती तो देन द शोल्डर्स इन द बेस्टन्स है, जब जो तो जो बेस्टन्स हैं उन्हें बेस्टन्स से उन्हें दिख जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे, तो उन्हें कोई डिफिकल्टी अटैक करने पे फोर्ट पे नहीं हुई होगी तो वो देख लेंगे। तो कल्याणी क्या बोलती, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन आर्मी, अगर हॉर्सेस पे आ रही हो, घोड़े पे आ रही हो और एलिफेंट्स पे हो और अपनी गन के साथ, तो हेयर द सुल्तान आर्मी स्टैंड फुली, बट इधर जो सुल्तान की आर्मी है वो क्या है फुली प्रिपेयर्ड है इन सब चीज़ों के लिए। तो ओ सैलजा बोलती है ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन द, इधर पे एक दोनों की जब लड़ाइयाँ होती होंगी तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मारे जाते होंगे इस लड़ाई में। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉस, मुझे समझ ही नहीं आ, वो बोल रही मुझे तो लगता है कि लोग क्यों अटैक करते थे और क्यों इतनी लड़ाई झगड़े करते थे। तो ये क्या श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स हैव मॉरिंग पास्ट ना, ये हमारा पास्ट था। दीज डेज में अभी इधर पे क्या होता है, दीज डेज अब इस अब जमाने में जो बहुत सारी कंट्रीज है वो क्या यूज़ करती है, न्यूक्लियर बम। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मैनी डिस्ट्रैक्शन। तो अभी पहले के ज़माने में उन्हें कितनी सारी तोपें ये सब करना पड़ता था, आपके ज़माने में न्यूक्लियर बम्ब है, डायरेक्ट वो उड़ा कर दो तो उससे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये डिस्कस से हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।